नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट में काफी सारी मोटरसाइकिल्स ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी है। आज मैं दो मोटरसाइकिल्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि है ब्रदर्स ट्विंस, नहीं ट्विंस नहीं है। सो यस, टुडे वी हैव द ड्यूक 390। ये ओल्डर वर्जन है, 21 का एडिशन है, एंड दिस इज द NS 400। ठीक है, सो आज का वीडियो होने वाला है कि इन दोनों बाइक्स में एक्चुअली फ़र्क क्या है और आपके लिए कौन सा बाइक ज़्यादा प्रैक्टिकल है टू बाय। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते दोनों बाइक्स को। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टू ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल्स की इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो सबसे पहले हम लोग फ्रंट एरिया से शुरू करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप टायर्स की बात करो तो यू आर गेटिंग द सेम टायर साइज, 110 17 इंच के टायर्स है दोनों ही बाइक्स में, तो वो सेम है। पर अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर USD में आपको WB के सस्पेंशन मिलते हैं, यू कैन सी। तो KTM इज द फेमस फॉर देयर फ्रंट सस्पेंशन, इज रियली 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 अमेजिंग। और USD फोक्स सबसे पहले KTM ही लेके आया था लोअर सेगमेंट मोटरसाइकिल्स में। यहाँ पर आपको NS 400 में भी WB USD फोक्स ही मिलता है, बट दिस इज नॉट द WB सस्पेंशन। ब्रांड स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किस ब्रांड का सस्पेंशन है, तो हम अज्यूम करके चलते दिस इज फ्रॉम बजाज फैक्ट्री ओनली। सो यस, ये एक डिफरेंस हो गया। उसके अलावा अगर हम थोड़े से पीछे आ जाए, सो हियर इन द इंजन पार्ट यू आर गेटिंग द सेम इंजन, टेक्निकली 373 cc का इंजन आपको मिलता है इन वाइड्स, आप इसको कहते हैं 400 cc, ए 390 है, ठीक है, डी 390 स्कॉल। सो 373 cc का ही आपको इंजन मिलता है इन दोनों ही बाइक में। अगर मैं पावर की बात करूँ तो ये आपको देता है 44 bhp, जहाँ पर ये आपको देता है 40 bhp। सो पावर में थोड़ा सा ये कम है, टॉर्क भी इसका ज़्यादा है, 55 Nm का टॉर्क है आई गेस। मैं एक्चुअल फिगर्स डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपको 35 Nm का टॉर्क मिलता है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक एग्रेसिव मोटरसाइकिल आपको मिलने वाला है कहीं ना कहीं। और अब पीछे थोड़ा और आते हैं तो टायर्स की अगर मैं बात करूँ, पीछे के टायर में आपको सेम दोनों ही सेम टायर्स आपको मिलेंगे। अगेन यहाँ पर जो पीछे का सस्पेंशन है वो आपका होने वाला है WB, और यहाँ पर आपको बजाज वाला सस्पेंशन मिलने वाला है। तो देखने में दोनों ही बाइक को अगर आप रिव्यू करें तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइक रॉ नेकेड काइंड ऑफ मोटरसाइकिल देखने में लगती है। ठीक है, इसकी जो फ्रेम है ये इस तरह का स्केलेटन केज आपको मिलता है। यहाँ पर आपका फ्रेम जो है वो एकदम ट्यूबुलर काइंड ऑफ अ फ्रेम आपको देखने को इस बाइक में मिलता है। तो देख, दोनों ही बाइक देखने में थोड़ी सी अलग है, सेगमेंट सेम है, दोनों ही बाइक्स आपकी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक्स है। अभी एक बार मैं बाइक पर बैठता हूँ, उससे पहले मैं एक बार एग्जॉस्ट भी यहाँ पर दिखा दूँ। ये आपको अंडर बैली एग्जॉस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि KTM में बरसों पहले आता था अंडर बैली, जो कि सी यहाँ पे नीचे आता है। ठीक है, पर न्यू KTM्स, न्यू ड्यूक वगैरह में आपको एग्जॉस्ट बाहर की साइड स्लिप ऑन मिल जाता है। सो दिस इज द इंजन। अब एक बार हम KTM पे बैठते हैं और हाइट कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं KTM पे बैठता हूँ, ग्राउंड क्लियरेंस ऑल दो दोनों ही बाइक की आपको दिख रही होगी नीचे, पर अगर मैं सिटिंग पोजिशन की बात करूँ तो ये बैठने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव फील देगा। आपके आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एकदम रॉ फील है। आप इस तरफ से आ जाइए तो ज़्यादा थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये पूरा आपको रॉ बाइक लगेगा देखने में, और यू फील। और आपके जो पैर की पोजीशन भी है, अगर मैं फुट पैक पे रखता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा पीछे रहेगी, एंड यू आर लाइक इन अ कमांडिंग डैम कमांडिंग पोजिशन। और राइड रिव्यू में आपको काफ़ी और चीज़ें क्लियर होगी कि चलाने में बाइक में क्या क्या फ़र्क है टॉर्क वगैरह में भी, तो वो आपको बाद में पता चलेगा। पर अगर मैं अभी इसकी सिटिंग फील की बात करूं तो वो काफ़ी यूनिक और अलग सा दिखता है। अब एक बार उस पर हम लोग बैठते हैं और फिर कंसोल पे आते हैं कि हैंडल बार एंड कंसोल वगैरह में भी क्या सीन है। सो अब जब मैं इस पर बैठता हूं, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैवी साइड लगता है उससे, है ना। ये हैवी 184 kg के आसपास उसका वेट है। एक्चुअल फिगर्स अगेन स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, डिप 390 और इसकी भी। सो ये थोड़ा सा हेवियर साइड पे मुझे जाने में लगता है। उसके अलावा जो टैंक है काफ़ी ज़्यादा बड़ा टैंक है, अगेन टैंक साइज की दोनों में 12 लीटर्स का टैंक आपको मिलने वाला है। हैंडल बार इसका थोड़ा सा वाइड है, पर अगेन द सेम हैंडल बार, ओवरऑल सेम हैंडल बार है वाइडनेस के मामले में भी। यहाँ पर आपको जो बार है ना काफ़ी ज़्यादा बड़े मिलते हैं, और इसका जो फील है इज लाइक यू आर राइडिंग अ बिग मोटरसाइकिल, बिग नेकेड स्पोर्ट्स बाइक काइंड ऑफ अ फील।
इन दिस पर्टिकुलर बाइक। अगर मैं फुट की बात करूँ तो पैर आपके थोड़े से पीछे तो रहेंगे बट बहुत ज़्यादा नीचे है, तो राइड में आई गेस इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी मुझे राइड पे दिखती है। और मैं हाइट कंपैरिजन भी करूँ तो एज यू कैन सी मैं आराम से इस पर बैठ सकता हूँ जस्ट लाइक अ KTM ड्यूक 390 राइट। सो दैट्स दी ओवरऑल सेट्स एंड यस, दोनों ही बाइक में आपको फुल LED सेटअप मिलने वाला है, तो साइड लाइट से लेके हेडलाइट्स वो सब कुछ आपको दोनों में मिलने वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं कंसोल और हैंडल बार की बात करूँ ड्यूक 390 में, सो मज़ेदार बात ये है कि यहाँ से शुरू करें ये सेम है दोनों बाइक में बट ये अलग है। सो हियर यू आर गेटिंग द TFT डिस्प्ले राइट, बट द बार इज द सेम, आपको स्विचेस वगैरह ऑलमोस्ट सेम पोजीशन काइंड ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरफ आ जाइए एक बार, तो यहाँ पर आप ये जो स्विच का पोजीशन देख रहे हो पासिंग स्विच वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। अगेन दिस इज द ओल्डर वर्जन, तो यहाँ पर सेल का बटन नीचे दिया गया है, नए वाले में ऊपर आ जाता है। अगर मैं NS की बात करूँ, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको हज़ार लाइट का बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है और आपका इंजन क्यूल स्विच भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, सो ऑन ऑफ और स्टार्ट ठीक है। और यहाँ पर आपको चार्जिंग का एक सॉकेट दे दिया गया है, बाकी जो आपको ये हैंडल बार कंसोल कंट्रोल वगैरह यहाँ पर सारे देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसकी स्क्रीन की बात करूँ तो ये कलर LED स्क्रीन है, उसके बाजू में आपको एक ब्लू कलर का स्क्रीन मिलता है जो डिस्ट्रैक्टिंग मुझे कहीं ना कहीं लगता है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगता है। सो दिस इज़ दी कंसोल पार्ट ऑफ दिस बाइक। नाउ एक जो काफ़ी मज़ेदार चेंज मुझे लगता है दैट इज़ दी हेडलाइट। सो यहाँ पर यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ DRL, ये मेरी पर्सनल फेवरेट लाइट है ऑन अ सीरियस नोट। जैसे ही डुक में ये वाली लाइट आई आई लव दिस, इवन इसकी पुरानी वाली लाइट भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। यहाँ पर यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ जूस का जो वो था ना इलेक्ट्रिक वाला, उसके जैसा थोड़ा सा इसको बिजली वाला लुक दिया गया है। नीचे प्रोजेक्टर दिया गया है और ये ऑल LED है, यहाँ पर प्रोजेक्टर टाइप सेटअप दिया गया है, तो लाइट में ये फ़र्क है। मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली लाइट, ये दिखने में भी मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगती है। सो दैट्स दी ओवरऑल चीज़ें अबाउट दिस टू मोटरसाइकिल्स। प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ये आपको अहमदाबाद ऑन रोड पड़ेगी 2,25,000 की, ये कुछ 3,50,000 के आसपास जाती है, तो ज़्यादा प्राइस इसकी है। अब एक बार दोनों ही बाइक्स को हम लोग चलाएंगे साइड बाई साइड एंड देन विल टेल यू कि एग्जैक्टली क्या फ़र्क है इन दोनों में इन राइडिंग, है ना। तो चलिए राइड करते हैं, समझते हैं बाइक्स को। ओके गाइस, सो राइट नाउ वी आर राइडिंग द ड्यूक 390 एंड सबसे पहला फ़र्क जो NS 400 और ड्यूक में है वो है वेट का, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट आपको लगता है। और इसमें जो पोजीशन है ना, सिटिंग पोजीशन और जो आपका फुट का पोजीशन है वो इतना, मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा एग्रेसिव मूड आप लगेगा कि आप एक से बाइक में बाइक को आप पकड़ के ऐसे कुछ फील करोगे राइट। और वहीं पे अगर मैं NS 400 की बात करूँ तो वो थोड़ा सा कम्फर्ट जोन में चला जाता है, थोड़ा सा बल्क एंड नॉट दैट एग्रेसिव फील, बट ये भाई साहब आपको अग्रेसिव फील करवाएगा एनी वेज। सो यस अगेन द इंजन इज सेम बट द पावर ट्रेन इज बिट डिफरेंट, ट्यूनिंग का थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों ही बाइक में। सो ये हाईवेज पे भी लाइट वेट है फिर भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और उसमें वो एक बेनिफिट है कि उसका जो वेट है उसकी वजह से हाईवे पे आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी मज़ा आएगा और कम्फर्टेबल ज़्यादा रहेगा इससे। पर अगर मैं सिटी की बात करूँ तो अगर गियर शिफ्टिंग के लिए आप हैबिटेड हो जाओ तो आई प्रेफर दिस इन हाईवेज एंड ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक में इसको मैन्यूर करना इज़ वे ईजियर देन NS 400, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है। और जो इसका जो पिकअप है, दिस इज़ अ एग्रेसिव मोटरसाइकिल, लिटरली एग्रेसिव, ये काफ़ी ज़्यादा टॉर्क में आपको डराता है। और वो डराने का रीज़न इसका पावर तो है, पर पावर के साथ इसका जो सिटिंग पोजिशन है ना वो भी है, कि जिस तरह से जिस एंगल में आप बैठते हो और जैसे ये बाइक शूट अप होता है यू फील स्कैर्ड कि ओ ये बाइक निकल ना जाए कहीं, है ना। ये एकदम कॉम्पैक्ट सा लाइट वेट बाइक है, और उसके सामने अगर मैं NS की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट पावर के साथ साथ उसका जो बल्किनेस है ना वो आपको ऐसे डराएगा नहीं, आपको लगेगा कि हाँ अच्छा ठीक है चलो पावर है आई कैन कंट्रोल इट। और ये तो भाई साहब आपको कसम से डराएगा, गंदे तरीके से डराएगा। सो या दैट्स दी मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू मोटरसाइकिल, दिस इज़ मोर इन एग्रेसिव वे एंड दैट इज़
मोर ऑन अ लाइटर साइड कि भाई ठीक है बल्क है आराम से चलाने वाली चीज़ है, ऑल्दो पावर ऑलमोस्ट सिमिलर बट फिर भी चलाने में तो ये आपको फील होगा ही होगा इन दोनों बाइक्स में। अभी किसको कौन सा लेना चाहिए, अगर अगर आपका बजट कंसेंट है और आपको एक पावरफुल रिलायबल मशीन चाहिए, रिलायबल तो अभी पता नहीं चलेगा थोड़े टाइम के बाद ही पता चलेगा, पर अगर आप एक पावरफुल मशीन चाहते हो जो कि थोड़ी सी दिखने में भी अच्छी लगे, तो बजट थोड़ा सा बढ़ा के ड्यूक ले लो, क्योंकि इसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा है NS की जगह पे। NS फीचर्स में लैक करता है पर वहाँ पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको मिलेगा, 2,25,000 में आप क्या ही डिमांड कर लोगे। सो भाई अगर आपका बजट है और 1,00,000 और ऐड कर सकते हो तो गो विद द ड्यूक 390, दिस इज एनी वेज बेटर ऑप्शन देन NS 400। अगेन यहाँ पर ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है क्योंकि कुछ लोगों को इस तरह की बाइक्स नहीं पसंद है, या फिर अभी के हाल की जो KTM की इमेज है उसको देखते हुए शायद आपको लग सकता है कि नहीं भाई ये बाइक इतनी मज़ेदार नहीं है, तो नो दैट्स अप टू यू, बट इफ़ आई हैव अ बजट एंड आई हैव टू चूज बिटवीन दिस टू आई विल गो फॉर ड्यूक 390 एनीवेज राइट, पर अगर बजट है यू आर डेफिनेटली NS 400 इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सो वी आर अगेन ऑन अ हाईवे, सो वी आर अगेन ऑन अ हाईवे एंड सो यस व्हील स्पिन भी होता है इसमें, काफ़ी सही से व्हील स्पिन होता है एंड द टॉर्क इज सो इम्प्रेसिव, मतलब मजा सा आ जाएगा आपको चला के यार, आई एम इम्प्रेस, मतलब 2,25,000 में इतना। मैं क्रिटिसाइज करने वाला था इस बाइक को बहुत ज़्यादा, मैं दिमाग में सोच के आया था कि मैं इसको भयंकर क्रिटिसाइज करूँगा जब मैंने पहली बार देखा इसको, और जो कंसोल वगैरह देखा और ये जो स्टार्ट में स्टार्ट होने में भी दिक्कत दे रहा था वो सब देखा, तो आई वॉज लाइक इसकी तो मैं पूरी की पूरी मामा से ले लूँगा, बट आफ्टर राइडिंग दिस ना क्योंकि यार 2,25,000 में इतना स्मूथ बाइक, तो गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा इश्यू है पता नहीं क्यों मुझे लगता है, बाकी मैन्यूवरिंग इज सो गुड लाइक काफ़ी सादा मज़ेदार, इट इज इन कंप्लीट कंट्रोल, नाइस बॉय नाइस। सो यस अगर मैं इसको KTM के साथ कंपेयर करूँ तो KTM का टॉर्क इससे बहुत ज़्यादा है, मतलब KTM वाज लाइक जुप जुप वाला सीन है, ये भी जुप वाला है, ये जुप नहीं है, ये जुप जुप है जुप, मतलब थोड़ा टाइम तो लेता है पर जो KTM का एग्रेशन है ना वो इस बाइक में नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो आप इससे डरोगे नहीं, दिस इज़ व्हाट आई फील, कि ये बाइक आपको डराएगा नहीं किसी भी एंगल पर, है ना। KTM आपको डराता है 390 स्पेशली, मतलब वो फाड़ देगा, पर अगर पहली बार कोई बंदा 390 ड्यूक चला रहा है ना उसकी फट के हाथ में आ जाएगी, इतना सारा पावर हो उसमें भी वो सुपर मोटो मोड डाल देता तो वहाँ हिस्सा हार्ड, पर ये बाइक डराता नहीं है आपको, ऊपर से ये बाइक आपको फ्री कंट्रोल कंफर्ट फील करवाता है कि हाँ ठीक है चलो आराम से लो आराम से मज़ा आएगा। मुझे दिक्कत लग रही है इसको, लगता है कि ट्रैफिक में ये शायद परेशान कर सकता है, तो अब हम लोग जा रहे हैं टेरिफिक ट्रैफिक में एंड देखेंगे कि ट्रैफिक में ये कितना प्रैक्टिकल है, क्योंकि हाईवेज पे मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना ज़्यादा लेके जाएगा, दिस इज़ द सिटी स्ट्रीट बाइक और कंपनी भी इसको ऐसे ही प्रमोट करती है स्ट्रीट फाइटर, तो लेट्स सी ट्रैफिक में क्या सीन होगा इसका। हाँ ट्रैफिक में बार बार गियर शिफ्टिंग नहीं तो बाइक बंद, अगर एक बार भी बाइक बंद हुआ ना तो ये मत सोचना कि मुझे आता नहीं है, मुझे आवड़ता है अच्छे से, पर हाँ बार बार गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत है, एक सिंगल गियर में आप इसको इतना आराम से मज़े से नहीं चला सकते डेफिनेटली। सो यस ट्रैफिक में थोड़ा बहुत तो ये परेशान करेगा ही, पैनिक में तो बहुत ज़्यादा, ऑल ऑफ अ सडन आप स्लो कर रहे हो फिर उठाना है तो नहीं उठेगा, ये बंद होने के चांसेस आते हैं पूरे, मैं अभी इसको सेकेंड बंद हो रहा है ना, सी सेकेंड भी नहीं होगा, तो ये तो ड्रॉबैक है भाई ट्रैफिक में, तो आपके हाथ में लाल लाल हो जाएंगे अच्छे से, अभी भी होगा अभी नहीं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक में थोड़ा सा है एंड दैट इज़ लाइक एक्सेप्टेबल फाइन, मतलब हैबिट हो जाएगी, ये ऐसी चीज़ है, ये ना राइडिंग है, मतलब इसकी ना आपको ग्रेजुअली क्या होगा कि आपको हैबिट हो जाएगी इस चीज़ की,
बाकी तो और KTM में क्या है कि KTM में भी ये प्रॉब्लम है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इसकी जितनी ज़्यादा नहीं है, इसके रिफाइनमेंट में शायद कोई इश्यू है तो उसकी वजह से ये हो रहा है। पर मेरे को लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको चलाते जाओगे ये इंजन ऑटोमेटिकली अडोप्ट कर लेगा इन चीज़ों को, मे बी आई एम जस्ट लाइक अंज्यूमिंग। तो हाँ लेट्स द NS 400 द राइडिंग थिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, आपको इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन पसंद आया होगा और मैंने कहीं ना कहीं कोशिश की होगी और आपको समझ में आया होगा कि आपके लिए कौन सा बाइक बेटर है। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका इन दोनों में से फेवरेट बाइक कौन सा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।